आज हम एक नई और मुनफरिद रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हैं। आज मैं आपको बड़ा मज़ेदार सा आलू कीमा बनाना सिखाऊंगी और उसके लिए मैंने हाफ कप ऑयल में मैंने 2 मीडियम ऑनियंस लिए, उन प्याज को मैंने कट कर लिया और उसके साथ ही मैंने 1/2 kg मटन का मिन्स इसमें ऐड कर दिया। कीमे को हम इसी तरह से प्याज के साथ डालकर फ्राई करते हैं। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है तो फिर इसके अंदर हम एज इट इज़ आलू ऐड कर लेंगे। आलू ऐड कर लेंगे। मैंने ये स्पाइसेस लिए हैं, ये जिंजर पाउडर है, ये गार्लिक पाउडर है और ये रेड चिली है, टर्मरिक है, ज़ीरा है, नमक है और ये कोरिएंडर पाउडर है यानी साबुत धनिया का पाउडर, सुर्ख मिर्च है, हल्दी, लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर और ज़ीरा और ये नमक है। कीमे को मैंने फ्राई कर लिया, अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं और इसको मिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं कीमा श्रिंक हो चुका है। मैंने 3 मुनासिब साइज के टमाटर लिए हैं, इसको मैं डीफ्रोज कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये फ्रीज़ किए हुए हैं। अब मैं इसकी प्यूरी तैयार करती हूँ, इसकी पेस्ट फॉर्म में करके तो ये ऐड करती हूँ। आप देख सकते हैं कीमा फुल एज पे पक चुका है, यानी कि जिस तरह से हम अपने कबाब फ्राई करते हैं इस तरह से मैंने इसको प्रॉपरली फ्राई कर लिया। ये अच्छी तरह से पक चुका है। आप देख सकते हैं मैंने टमाटर को बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ टमाटर, मैंने इसमें ऐड कर दिए और अब मैं इसमें 1 कप पानी का शामिल करूँगी और इसको मैं दम पर रखती हूँ ताकि ये टमाटर के साथ अच्छी तरह से कुक हो जाए। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देते हैं और हम अपने आलूओं को कटिंग करते हैं और रेडी करते हैं। मैंने आलूओं को इस तरह से स्लांट शेप में कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं मैंने एक डिफरेंट शेप दिया है इसको। और वो इसलिए क्योंकि बच्चे खाते हुए मुंह बनाते हैं और इस तरह आलू आलू और उनको इस तरह से खाने में भी मज़ा आएगा और देखने में भी मज़ा आएगा, बच्चे भी इस रेसिपी को इंजॉय करेंगे। सो लेट्स सी, आप देख सकते हैं कीमा फुली ड्राई हो चुका है और इसके ऊपर ऑयल निकल आया है। अब इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं और भूनने के बाद हम इसमें आलू ऐड करते हैं। कीमा इस वक्त ग्रेवी फॉर्म में हो चुका है और नहायत मज़ेदार सी इसकी खुशबू हो रही है, वीडियो से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर स्पाइसेस फुली मिक्सअप हो चुके हैं और कुक हो चुके हैं। कीमा मैंने हाथ का कीमा मंगवाया था लेकिन बारीक फॉर्म में है, ये मैंने ज़्यादा बारीक ही करवाया हुआ। आप भी कह के कीमा मंगवा सकते। आलू ऐड करने से पहले हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। इसी तरीके से आप बीफ का कीमा भी बना सकते हैं, इसी तरीके से आप चिकन का कीमा भी बना सकते हैं, बस वो टाइम टेकिंग नहीं होता और तमाम रेसिपीज सम टाइम बिल्कुल सेम पैटर्न से होती हैं, कुछ टाइम टेकिंग होती है और कुछ टाइमलेस होती हैं। आप जल्दी जल्दी से क्विक उसकी इजी रेसिपी करके बना सकते हैं और उसका मज़ा उठा सकते हैं। मैंने मटन का कीमा मंगवाया था और अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करने लगी हूँ। आप देख सकते हैं प्रॉपरली ड्राई हो चुका है। अब इसमें आलू शामिल करते हैं और हरी मिर्चें ऐड करते हैं।
हाफ टी स्पून में इसमें गरम मसाले की ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से पानी शामिल कर दिया। अब इसको ढक के रख देते हैं। आलू अच्छी तरह से पक जाए और जब ये पक जाते हैं तो फिर मैं इसको आपको मज़ीद प्रोसेस क्या करना है और इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, डिश आउट करना है, वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में मैंने इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया था और अब मैं इसके अंदर पाउडर फॉर्म में मुकम्मल गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ और मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ और इसको ढक के रख देती हूँ ताकि आलू पूरी तरह से, वो इसलिए मैंने पहले शामिल कर दिया क्योंकि मैंने इसमें साबुत गर्म मसाला नहीं ऐड किया था सिवाय ज़ीरे के, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एसेंस जो होता है मसालों का वो इसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ले जनाब हमारा मज़ेदार सा आलू कीमा तैयार हो चुका है। अब हम इसे लास्ट में काली मिर्च इसमें ऐड करते हैं। देखिए मैंने किस हिसाब से गर्म मसाले को ऐड किया। अब हम इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर रहे हैं, इसलिए लास्ट में कर रहे हैं ताकि मेरी सालन की काली मिर्च और गरम मसाला इसलिए लास्ट में ऐड करना चाहिए ताकि आपका सालन काला ना हो और इसकी महक और सब कुछ लास्ट में इसमें ऐड हो और खाने का अपना मज़ा हो, ना कि सिर्फ गरम मसालों का टेस्ट आता रहे और असल में कीमा और आलू क्या होता है ये किसी को समझ ही ना आए, पता ही ना चले। मेरी हर चीज़ इसके अंदर इक्वली मिक्सअप हो चुकी है। बच्चों के लिए फ्राइड बनाए हैं। आज मैंने इसमें नमक ऐड किया, कॉर्नफ्लोर ऐड किया और अजवाइन लगाई है और ये बिल्कुल बाज़ार जैसे ही टेस्ट रहते हैं, बाज़ार वाले फ्राइज हैं जो कि मैं अपने बच्चों को घर में तैयार करके देती हूँ ताकि इनको हेल्दी चीज़ मिले और हाइजेनिक हो, जिसमें जर्म्स ना हो और बाज़ार से धन ना मिले। कभी कभी तो बच्चों के साथ जंक फूड चलता है, आप किसी रिप्यूटेबल प्लेसेस पे जाके बच्चों को खिला पिला सकते हैं, उनको एंजॉय करा सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएं वहाँ से लें या किसी ऐसी शॉप पे जाएं जहाँ का आपको पता ये हाइजीनिकली तैयार करता है तो बच्चे इजीली उसको कंज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज बच्चों के साथ प्रॉब्लम ही रहता है। तो आप उनके लिए घर में सफाई के साथ तैयार कीजिए। जनाब हमारा आलू कीमा भी रेडी हो चुका है और मैंने इसमें इतना ही ग्रेवी रखना है, ना कि ज़्यादा ड्राई करना है। इसी फॉर्म में मैं इस सर्व करूँगी और ये इसी तरह से ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप भी अपने घर में पकाएं और सबको इंजॉय कराएं, बहुत ही शानदार रेसिपी है और झटपट से तैयार, ना ही इसमें एक्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स है और ना ही इसमें कोई कच्चापन है, ना ही किसी किस्म की कोई स्मेल है। आप इसको 100% रिकमेंडेड और गारंटी के साथ पका सकते हैं और खा सकते हैं। यहाँ पे हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस पे हरी मिर्चें छिड़क देते हैं और हरा धनिया छिड़क देते हैं।
नहीं जी, मज़ेदार, शानदार, लाजवाब और बहुत ही जायकेदार, एकदम से बिल्कुल बाजार जैसे। फ्राइज मैंने रेडी कर ली है, आलू कीमा मैंने रेडी कर ली है और अब हम इंजॉय करेंगे बच्चों के साथ। फुल पार्टी शार्टी होगी यानी खाना होगा। आप भी अपने घर में इसी तरह से हेल्दी चीज़ें बनाते रहिए। दवाओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।